नमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और यहां पर मैं करता हूं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं बारह हजार रुपए के अंदर मिलने वाले वीवो और ओप्पो के दो स्मार्टफोन जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है वीवो वाई सिक्सटीन और दूसरा ओप्पो ए सेवेंटीन तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तो के फ्रंट सेल्फी कैमरा फाइव मेगा पिक्सल बैटरी 5000 थाउजेंड एमएच की वहीं पर Oppo A17 में भी आपको फोर जीबी रैम सिक्सटी जीबी का इंटरनल स्टोरेज रियर में आपको फिफ्टी प्लस टू मेगा के डुअल कैमरा फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल और बैटरी 5000 थाउजेंड एमएच की इसके अलावा क्या क्या दिया गया है? इन दोनों स्मार्टफोन में खास आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी वीडियोस आपके लिए पर रेगुलर लहा रहता हूँ सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखे तो व्हाइट कलर का बॉक्स है वीवो का और ओप्पो का ब्लू कलर का बॉक्स लेकिन ओप्पो में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को नहीं मिलता है जबकि वीवो में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देख जाएगा बैक साइड में हेडलाइन फीचर

वोट तो टेन वोट का ही है फाइव वोल्ट टू एमपीयर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको आपको मिलती है इसके बाद इसमें कलर की काफी अच्छी क्वालिटी की यूएसबी यूएसबी केबल मिल जाती है लेकिन दोस्तों चेक करें तो ये माइक्रो केबल निकल के आती है आज की डेट में बारह खर्च करने पर टाइप सी यूएसबी केबल तो मिलनी चाहिए और ये है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक आपको बिल्कुल एक जैसा मिलता है दोनों पर ड्रॉप नॉज डिस्प्ले दी गई है स्क्रेच गार्ड भी दोनों पर पहले से लगा हुआ मिल जाता है इन इनहैंडील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल होते हैं और काफी स्लिम और लाइट वेट लग रहे हैं साइज भी दोनों का बिल्कुल एक जैसा लग रहा है और यह है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दोनों के दिए गए हैं सबसे पहले वीवो वाई का बैक पैनल तो इसमें आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है बैक पैनल में जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का देखने को मिल जाता है हमारे पास ये गोल्ड कलर वेरिएंट है जो काफी अच्छा लग रहा है नीचे विवो की ब्रांडिंग की गई है ऊपर जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर बिल्कुल विवो जैसा ही

कैमरा दोनों स्मार्टफोन में विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है फ्रंट में ड्रॉप नॉट्स के अंदर दोनों स्मार्टफोन 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं और जो कॉर्नर है दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं जहां पर राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम दिए गए हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों स्मार्टफोन के पावर ऑन की पर ही अटैच मिल जाता है ऊपर की साइड आपको विवो में सिम ट्रे मिलती है ओप्पो में कुछ नहीं दिया गया है सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है ओप्पो में दोनों स्मार्टफोन पर आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों साथ लगा सकते हैं मोबाइल के बॉटम में थ्री पॉइंट फाइव एम एम का ऑडियो जैक प्राइमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दोनों का बिल्कुल एक जैसा सेटअप मिलता है इसके बाद हमने दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो ऑलरेडी हमने ऑन कर लिया था ये सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम फुल कर देते हैं ऑलरेडी फुल है दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस और डिस्प्ले क्लैरिटी आपको दिखाते हैं करीब से तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको दोनों की मिल जाती है यहाँ पर आपको सिक्स हंड्रेड नेट्स की ब्राइटनेस दे रहा है वीवो और ओपो आपको दे रहा है फाइव हंड्रेड फिफ्टी की ब्राइटनेस दोनों को आउटडोर भी आप इजिली यूज कर सकते हैं आइकन लगभग एक जैसे मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के और एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से तो काफी थिक है लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी और ओप्पो के मुकाबले वीवो में आपको थोड़ी और ज्यादा देखने को मिल जाती है यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही यहां पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं कुछ प्री इंस्टॉल ऐप भी नजर आ रही होंगी हालांकि अनवांटेड ऐप को फोन से रिमूव करके आप प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों

तो टू पॉइंट थ्री प्रोसेसर मिलता है दोनों स्मार्टफोन में चिपसेट मीडिया हीलियो थर्टी फाइव का दिया गया है, जो बेस्ट है 12 दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं फोर जीबी रैम एल फीडीडीआर फोर एक्स की दी गई है और सिक्सटी फोर जीबी का इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप वन टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइपो स्मार्ट हैल्वी है है है। सी नजर दोनों स्मार्टफोन के, के, तो स्मार्ट के रियर कैमरा को हम नॉर्मल मोड में ऑन कर लेते हैं तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के कैमरा में ज्यादा बेटर कलर आपको ओप्पो एवं पिक्सल के कैमरा के के से मिलते हैं करीब से भी आपको दिखाएं तो क्लैरिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी मिल जाती है। जूमिंग देख लेते हैं तो वीवो Y16 से आप कर सकते हैं 4X जूम ज़ूम क्लैरिटी काफी अच्छी तो मिल जाती है और दोनों स्मार्टफोन के जूम क्लैरिटी को एक बार साथ देख लीजिए और कलर का अंतर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा बेटर कलर ओप्पो ए में ही आपको मिलते हैं बाकी मोर सेटिंग में देखते हैं दोनों स्मार्टफोन आपको क्या क्या टाइम टाइमलेस मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, हैं. ज्यादा में नहीं दिए गए टाइमलेस जरूर मिल जाता है इसके अलावा दोनों में आप फुल एच में वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देख लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का फाइव मेगा का एक नॉर्मल कैमरा मिलता है थोड़ा सा बेटर आपको ओपो का कैमरा मिलेगा हालांकि विवो में भी अच्छा कैमरा

के फीचर्स भी होते तो मैं कहता यह स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में देख सकते हैं आप मीडिया टैक हीलियो पी थर्टी फाइव और जी थर्टी फाइव का ही चिपसेट दिया गया है जो काफ़ी आउटडेटेड है थोड़े से बेटर हो सकते थे फास्ट चार्जर मिलना चाहिए था नाइन्टी हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना चाहिए था फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी आजकल की डेट में तो बारह हज़ार रुपये खर्च करने पर डुअल स्टूडियो स्पीकर आपको मिल जाते हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं सेकेंडरी माइक नहीं मिलता है और ऊपर से यहाँ पर ओप्पो ए सेवनटीन ने तो काफ़ी कंजूसी की है यहाँ पर नॉर्मल माइक्रो यूएसबी एस केबल का फोर्ट दिया हुआ है तो एफ सी मिलना चाहिए था बाकी दोस्तों आप सभी की पसंद मैटर करती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कौन सा आप परचेस करना चाहोगे और अगर आप यूज कर रहे हैं दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छायाँ बुराइया कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिली तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद